नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस वक्त की पांच अहम खबरें कौन कौन सी हैं कमोडिटी मार्केट की, फिर आपके लिए पांच ट्रेडिंग कॉल्स और आपके सवाल उसके बाद और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अहम खबरों के साथ। पहली खबर ये है कि सोने में आज कमजोरी है और MCX पर सोने का भाव 46,000 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। चांदी का भाव 47,800 रुपये के आसपास है। गोल्ड में करीब 250 रुपये तक की गिरावट इंट्राडे में आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव 1715 डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये गोल्ड को लेकर अपडेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल कीमतें भी दबाव में हैं और जिंक मिनी 1.5% तक टूट चुका है। कॉपर 1% नीचे, निकल में भी कमजोरी है। अमेरिका चीन में तनाव बढ़ने से मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। क्रूड में भी अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का रुख है, 1.5% नीचे है ब्रेंट का भाव, 35 डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड 34 डॉलर के करीब है, 1% तक की नरमी है। MCX पर भाव 2600 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है, हल्की तेज़ी यहाँ दिख रही है और ग्लोबल राजनीतिक तनाव बढ़ने का भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट दिख रहा है। एग्री मार्केट में देखें तो सोया वायदा में दूसरे दिन भी तेज़ी है। NCDX पर सोयाबीन का वायदा 3850 रुपये के करीब है। जून वायदा में 1.5% की मजबूती है। सोया ऑयल 0.25% ऊपर 785 के करीब है और बाज़ार में कम स्टॉक होने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत मिली है। चना, सरसों, मसूर की सरकारी खरीद की लिमिट खत्म हो गई है। मतलब ये कि जो रोज़ की लिमिट होती थी किसानों की बेचने की, उसको हटा दी गई है। यानी अब किसान चाहें जितना भी माल हो एक दिन में बेच सकते हैं। ये जानकारी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने दी है। अब आपको बताते हैं कि आज आप ट्रेड कहां पर कर पाएंगे, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट आज दबाव में है, गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। क्या ये गिरावट अभी और बढ़ने वाली है? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, कल का जो दिन था वो एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट वापस लेके आया है मार्केट में। तो हमने मंडे की जो छुट्टी थी ग्लोबली, मेमोरियल डे हॉलीडे था US में, तो कल हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक तेजी का रुख लौटा है बाजार में। बावजूद इसके कि हांगकांग और चाइना के बीच जो तनाव है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन मार्केट अभी कुछ और चीज़ों पे फोकस कर रहा है, जैसे रीओपनिंग ऑफ US इकोनॉमी। साथ ही साथ जो कल न्यू होम सेल्स का डेटा आया US से, वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक रिस्क लेने पे जो ट्रेडर्स हैं उनको रिस्क लेने की तरफ उसने पुश किया है। तो हमने कल देखा कि इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली अप थे, इसलिए इसी वजह से जो सेफ हेवन एसेट्स हैं, जैसे इंटरनेशनली डॉलर हो गया या फिर गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, तो उसमें हमने कल एक काफ़ी भारी करेक्शन देखा। और मुझे लगता है कि आज भी वही रुझान गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखने मिलेगा। इसी वजह से जहां तक गोल्ड का सवाल है, मुझे लगता है कि 101 रुपए की तेज़ी यहां से दिख सकती है, यानी 46,200 तक एक पुल बैक मिल सकता है, बट वहां पर बिकवाली की सलाह होगी। डे हाई के करीब सेलिंग स्टॉप लॉस होगा और डाउनसाइड में 45,800 से 850 तक के टारगेट हमें आज से कल के बीच में गोल्ड में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई गोल्ड की। सिल्वर में क्या किया जाए? चांदी में अगर अभी ट्रेड करना हो तो क्या करना चाहिए? जी देखिए, सिल्वर को कहीं ना कहीं हल्का सा सपोर्ट मिल रहा है बेस मेटल से। हालांकि आज बेस मेटल्स भी साइडवेज टू लोअर थे मॉर्निंग में, लेकिन निचले स्तरों से चांदी को डेफिनेटली एक सपोर्ट मिल पा रहा है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली कम गिरी है या इनफैक्ट हल्की सी पॉजिटिव है। लेकिन अगर 47,700 के नीचे दोबारा स्लिप हो जाती है तो मैं बिकवाली की सलाह दूंगा, और डाउनसाइड में हो सकता है कि 47,200 का एक नया लो देखने मिले, तो सेल बिलो 47,200 की सलाह होगी चांदी में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि चांदी में बिकवाली की राय है 47,200 के टारगेट के लिए। लेकिन क्या क्रूड में भी अभी आपको गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है, और क्या क्रूड का मार्केट भी अभी शॉर्ट करने के लायक है? जी देखिए, एक टेक्निकल करेक्शन आ सकती है क्रूड में। हालांकि हम ओवरऑल देख रहे हैं कि 2400 से 2370 का जो स्तर है, जो जोन है, वो एक इमीडिएट अच्छा सपोर्ट बन चुका है क्रूड के लिए। लेकिन 2640 का एक इमीडिएट बैरियर भी है, एक रेजिस्टेंस है। जब तक वो पार नहीं होता तब तक करंट मार्केट पे या यहाँ से कुछ
8 से 10 रुपए ऊपर बिकवाली की एक अटेम्प्ट किया जा सकता है। 2640 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए इस ट्रेड के लिए, और डाउनसाइड में 2530 यानी जो रिसेंट लो है वो दोबारा टेस्ट हो सकता है। ठीक है, ओके। कॉपर में अभी आपको क्या लग रहा है, क्या कॉपर में कुछ तेजी की उम्मीद की जाए और क्या ताजा भाव पर कॉपर खरीदना चाहिए? जी देखिए, हालांकि ऑलरेडी प्राइसेस थोड़ी ऊपर आ गई हैं क्योंकि मेरी एंट्री 412 पे थी 416 के टारगेट से, लेकिन करंट भाव पे भी अगर कोई ट्रेड करता है तो मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है। एक्सटेंडेड टारगेट 419 का होगा जो रिसेंट हाई थे कॉपर में, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट वापस आया है तो कॉपर में या बेस मेटल्स में कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर बन जाएगा और बाइंग की रिकमेंडेशन होगी आज के लिए। ठीक है, नेचुरल गैस में क्या किया जाए, यहाँ पर कोई ट्रेड बन रहा है अभी? जी देखिए, पिछले दिनों में हमने काफी एक अच्छा पुलबैक देखा है, जो जून वायदा भी है लगभग 135-136 से अभी 150 के करीब है। 162-163 का जो प्रीवियस स्टॉप था वो एक काफी इंपॉर्टेंट बैरियर है और हम उसके अभी करीब जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है मार्केट में, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आई, ऑलमोस्ट 5% पुलबैक आया है, तो एक करेक्शन दिख सकता है। तो यहाँ पर मैं बिकवाली की सेल दूंगा 150 के करीब, 153 का स्टॉप लॉस लेके जरूर चलना है और 144 का टारगेट लेके चला सकता है। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 02-2300-1634। इसके अलावा आप 02-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चल, पहला सवाल विवेक का है, पुणे से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विवेक जी नमस्कार, पूछिए। ये नमस्कार मृत्युंजय जी, कई दिनों से इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस में हम देख रहे हैं कि एक ही दायरे में ट्रेड कर रहा है वो, तो जैसे कि 1695 से लेकर 1720 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये लेवल में क्या गोल्ड में शेयर पोजीशन बनानी चाहिए? अगर है तो क्या रहेगा उसका स्टॉप लॉस? ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक रेंज में मार्केट पिछले कुछ दिनों से घूम रहा है, तो ऐसे में गोल्ड में अभी क्या पोजीशन बनाना ठीक रहेगा, बताइए अमित जी। जी देखिए, जैसे ऑलरेडी हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा है क्योंकि कल 47,150 के हाई थे, वहां से लगभग 45,900 तक गिर चुका है, तो एक पुल बैक जरूर आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि 46,200 तक एक प्राइस जा सकती है, लेकिन ऑन द होल वहां पर एक सेल पोजीशन बनाई जा सकती है 46,400 के ऊपर के स्टॉप लेके, और डाउनसाइड में 45,850 का एक नया लो हमें 1 से 2 दिन के बीच में दिखाई दे सकता है। अगर वो लेवल भी निकल जाता है तो 45,500 तक के जो फॉल है ये एक्सटेंड होने की उम्मीद। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार जी सर, कॉपर मैंने कल सेल किया था, वो तो मैंने ₹1 का प्रॉफिट लेके उठा लिया है। अब मेरे को कॉपर के अंदर शॉर्ट की बनानी है, तो क्या कौन सी प्रोस्पेक्ट बनाए, कौन से टारगेट के लिए, कितने पे? ठीक है, बताइए बताइए अमित जी, कॉपर में क्या ट्रेड लिया जाए, किस लेवल पे लिया जाए, क्या टारगेट रखा जाए? जी देखिए, 412 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, ओरिजिनल एंट्री तो क्या मेरी वहीं पर थी, बट अभी क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ऊपर है तो मैं कहूंगा 414 पे भी बाइंग की जा सकती है। एक 412 के नीचे स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाया जाना चाहिए। इमीडिएट बैरियर 416-1650 के करीब, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल 419 तक प्राइस निकल जाएगी। ओके, ठीक है, अगला सवाल है मोहित का, मुरादाबाद से हैं हमारे साथ, पूछिए मोहित। सर नमस्कार, कल मेरा सवाल था चांदी पे 47,700 का मैंने टारगेट पूछा था, वो तो आ गया। आज मेरा सवाल गोल्ड पे है, क्या मैं यहाँ पे $1,702 के स्टॉप लॉस से यहाँ बाइंग कर लूँ? बताइए अमित जी क्या करें। देखिए, इसमें मैंने बताया कि ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन लग रहा है, अभी भी थोड़ी और जगह बाकी है मेरे हिसाब से नए लो की। यहाँ से एक हल्का पुल बैक दिखता है, लेकिन 46,200 से 250 के बीच
लेकिन आई डोंट थिंक वो बाय करने के लिए बहुत सफिशिएंट टारगेट है, तो मैं यही कहूंगा कि पुल बैक आएगा लेकिन वहां पर बेचने के लिए देखें तो बेटर रहेगा। डाउनसाइड में एक नया लो बन सकता है जो $1695 के करीब हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है आलिम का शिकारपुर से, पूछिए आलिम। हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रहा था जब ये लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो चांदी पे बहुत ज्यादा रेट गिर गए थे और आप पूरी तरीके से लॉकडाउन है पूरी दुनिया में, रेट आपके डाउन नहीं हो रहे हैं? लॉकडाउन पूरी तरह से तो नहीं है, धीरे धीरे छूट मिल रही है लॉकडाउन में दुनिया के कई देशों में, और यही वजह है कि बाकी कमोडिटी में भी थोड़ी बहुत डिमांड जनरेट हुई है। फिर भी बताइए अमित जी, क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए उस टाइम पे अगर आप ध्यान दें तो गोल्ड के प्राइसेस भी काफी हेविली गिरे थे, $1450 तक की प्राइसेस दिखी थी, 38500 डोमेस्टिक मार्केट्स में दिखे थे, तो वो एक मार्क टू मार्केट जो इक्विटी में सेल ऑफ था उस वजह से मार्क टू मार्केट में जो प्रेशर आता है, तो आप कहाँ से आप मार्क टू मार्केट भरेंगे जहां पर आप ऑलरेडी मुनाफे में बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर में ऑलरेडी उसके पहले एक रैली आई थी तो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी वो, लेकिन जो ट्रेंड है वहां से जो एमर्ज हुआ है, हमने देखा है कि मल्टी ईयर लो था $11-11.5 के करीब, वहां से एक फ्रेश बाइंग लौटी है और मुझे लगता है कि फिलहाल तो हम लोग $20 के करीब जाने की एक आशंका हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में, ये पॉसिबल है। तो चांदी में बहुत बड़ी गिरावट की आशंका कम लग रही है। ठीक है, नितिन गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए गुप्ता जी। गुप्ता जी आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। चलिए कुछ और कमोडिटी की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में अमित, कल के लिए आपको सबसे अच्छा काउंटर कौन सा लग रहा है? जी मेरे हिसाब से चना जो है वो एक लॉन्गर टर्म बेट है तेजी की तरफ, और कल के लिहाज से भी मुझे लगता है कि चने में तेजी आ सकती है। करंट मार्केट प्राइस से मुझे लगता है कि करीबन 0.5 से 0.8% यानी 50 से यू नो 70 रुपए की तेजी हमें एक से दो सेशंस में दिखाई दे सकती है करंट मार्केट से, तो मैं चने में मार्केट पे बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। ठीक है, एक हाँ ओके, तो आपने ये बताया कि क्या करना है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आपने कॉपर में बताया कि बाई करके चलना चाहिए, क्या कॉपर के अलावा जो बाकी के काउंटर हैं मेटल में, चाहे वो निकल हो, जिंक हो, लेड हो, वहां पर क्या ट्रेंड अभी आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरह का ट्रेड लिया जा सकता है? देखिए लेड और जिंक खास करके एक दायरे में फंस गए हैं, तो उनमें फिलहाल एक मोमेंटम लैकिंग है आई वुड से। जिंक में फिर भी निचले स्तरों पे हमने बाइंग देखी थी 153-154 के करीब, बट अब वहां से दूर है तो यहाँ पर बाइंग अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल से निकल सपोर्ट के करीब है, निकल में 920 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके करीब जब प्राइसेस मिले तो बाइंग डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड में 945 और 960 ये दो टारगेट हम 4-5 सेशन के लिहाज से लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए कि क्या ट्रेड आप आगे मेटल में ले सकते हैं। लेकिन एग्री में जैसे अभी हमने बात की, ग्वार में कुछ एक्शन दिख रहा है क्या आगे के लिए? जी देखिए ग्वार में काफी उठा पटक थी जब हमने पहले देखा था कि काफी बड़ा पुलबैक आया था, और उसके बाद में जो है अपसाइड जो है कैप हो गया था बिकॉज क्रूड में फॉल था, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल एक बाय का रिदम जो है वो ग्वार में रहेगा। मेरे हिसाब से करंट मार्केट से भी करीबन 1-1.5% की तेजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मोटा मोटी क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो गिरावट है वो थम गई है, निचले स्तरों पे हम देखते हैं कि क्रूड में उछाल आता है, तो ग्वार गम ग्वार सीड दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में तेजी दिख सकती है। ठीक है ठीक है, तो ये राय आपकी ग्वार पर है। इस बीच हमारे साथ गोपाल जुड़ रहे हैं राजस्थान से, पूछिए गोपाल जी। हाँ सर नमस्कार, हेलो नमस्कार, पूछिए। अच्छा जी, सोबरी ग्वार जी पूछे, 3 साल पहले का सोबरी ग्वार पड़ा है, अगर मानसून खराब हो जाए तो सर जी 5,000 हो सकता है? मानसून खराब हो तो आप ऐसा क्यों मनाते हैं मानसून खराब हो जाए, बताइए, आप किसानों के पेट पे लात मारना चाहते हैं, खेती अच्छी होनी दीजिए।
नहीं, घाटा तो आपका किसी और तरीके से भी पूरा हो जाएगा, लेकिन मानसून के लिए दुआ कीजिए कि अच्छा मानसून हो, ठीक है। चलिए, लेकिन प्राइस आउटलुक पे हम बात कर ही सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कोई व्यू आपका ग्वार के ऊपर अमित जी? देखिए, 5,000 तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है मेरे हिसाब से। इमीडिएटली 4,000 से 4,100 ये एक स्तर है, जैसे मैं अभी बताया कुछ देर पहले कि तेजी दिख रही है इमीडिएट करंट मार्केट से, 1% तो एक दो दिन में ही आ सकता है, यानी 3,650 के करीब तो दिख जाएगी प्राइसेस। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म भी 4,000 से 4,150 ये रीजन में आके एक बार प्राइसेस को थोड़ा एक रुक सकती है, तो मुझे 5,000 नहीं दिखता है, बट हाँ 4,000 के लेवल जरूर आ सकते हैं। ठीक है, गणेश हैं हमारे साथ एमपी से, पूछिए। आपको आवाज आ रही है? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, कि निकल के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे थे, निकल पर इनफैक्ट हमने अभी बात की थी। एक बार फिर से आप बता दें पोजिशनली कैसा लग रहा है मार्केट आपको अमित जी निकल का? जी देखिए, निकल में 920 का मैंने सपोर्ट बताया था और हम काफी करीब हैं उस सपोर्ट के, तो 920 के ऊपर है तब तक बाय पोजीशन बनाई जा सकती है 945 और 960 के टारगेट को लेकर। इस ट्रेड के लिए 905 का स्टॉप लॉस इनफ रहेगा तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इस वक्त कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।